चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग पहले पहले वैद्य का आई मैन जी आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर। जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय वी द पीपल समर्थन आप सभी का इस्तकबाल करता है। वी द पीपल समर्थन है क्या? ये संघ एक परिवार है मूल निवासियों का, अर्थात बहुजनों का, मतलब एससी एसटी और ओबीसी तथा संविधान का सम्मान करने वाले या उसमें विश्वास रखने वाले अल्पसंख्यक समूहों का। हम निरंतर ऐसे विशाल परिवार यानी संघ के रूप में एकजुट होने की प्रक्रिया में हैं, जहां भाईचारा और सद्भाव हो। दोस्तों, जुड़ो और जोड़ो का सिद्धांत प्राकृतिक है। छोटी बड़ी तमाम तरह की वनस्पतियां हों, मतलब पेड़ पौधे हों, जब वो जुड़ती हैं तो एक विशाल जंगल बनता है, जिसमें छोटे बड़े बहुत तरह के जीव आश्रय तो पाते हैं, भोजन पाते हैं और तमाम तरह से उसमें अपने आप को सुरक्षित भी पाते हैं। इसी तरह मनुष्य भी जो है तरह तरह से जंगलों पर निर्भर करता है। तमाम तरह के छोटी छोटी जल स्रोत होती हैं, नदियां होती हैं, वो जब मिलती हैं तो एक विशाल सागर बन जाता है। इसी तरह हमारे शरीर के विभिन्न अवयव मिलकर एक शरीर की रचना बनाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी जब छोटी छोटी चीजें मिलती हैं और एक बड़ा ही रूप में अवतरित होती हैं या बड़ा रूप निर्माण करती हैं, तभी वो सार्थक हो पाती हैं। इसी तरह से हम सभी अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और विभिन्न विचारधाराओं के लोग जब आपस में सकारात्मक सोच के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित ही एक सार्थक संघ बना पाएंगे। अपनी कहेंगे, आपकी सुनेंगे, मिलजुल कर विमर्श करेंगे। बचपन से ही तमाम प्रेरक कहानी सुनते आए हैं, यूनिटी में ही शक्ति है। हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है और जो हमारे विपक्षी हैं उनका मनोबल कम होता है, टूटता है। भाइयों, हम किसी भी प्रांत के हों, किसी भाषा के हों, शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित हैं, हम सब एक हैं। हमारे क्रियाकलाप एक से हैं तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हम सब मिलकर इसी पर काम कर रहे हैं और सबको एक दूसरे को यही मैसेज देने का निरंतर प्रयास करते हैं। आइए अपने अपने मतभेदों, मनभेदों को भुलाकर संघ परिवार का हिस्सा बने। हमारे संघ में सब एक बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई अध्यक्ष, सचिव, मंत्री या कर्मचारी पद नहीं है। हम संघ में सामूहिक निर्णय सब सम्मति से लेते हैं। हम सब एक साथ बैठते हैं, कोई ऊपर या नीचे नहीं बैठता है। सब चाहे ऊपर बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे अथवा जमीन पर बैठेंगे तो भी हम एक साथ बैठते हैं। हम खाना एक साथ खाते हैं और सब मिलाकर मिल बांट कर खाते हैं। हम अगर कहीं भी जाते हैं तो भी हम किसी पर अपना बोझ नहीं डालते, उनके उन पर व्यय का कोई बोझ नहीं डालते हैं। ये संघ का निर्णय है कि अगर हम जाएंगे तो हम अपनी गाड़ियों का जितना भी पैसा खर्च होगा वो सब मिल बांट के आपस में पूरा करते हैं, उसको सहयोग से सब तरह से काम लेते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे संघ में कोई भी सदस्यता शुल्क या चंदा आदि नहीं लिया जाता है। दोस्तों, हम तमाम संगठनों में एक चीज देखते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई संगठन का निर्माण करते हैं या जब भी ऐसी व्यवस्था हम बनाते हैं कि जहां हम पद देते हैं किसी को तो वहां पर पद लोलुपता आ जाती है, अर्थात उसमें लालच आ जाता है और लोगों में अपने उद्देश्य को भूलकर एक होड़ सी लग जाती है कि हमें कौन सा पद, हमें कौन सा ऊंचा पद प्राप्त हो। इसी तरह से अगर हम किसी में चंदा आदि लेते हैं, कोई सदस्यता शुल्क लेते हैं और जहां पैसा आता है तो उसमें भी हमारे मन में एक धन लोलुपता अर्थात धन का लालच आ जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए हमने सबने ये निर्णय लिया है कि हम अपने संघ में किसी को भी शामिल करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेंगे, किसी तरह का कोई चंदा आदि नहीं लेंगे, सब अपना अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। संघ में कोई भी मंच माला अथवा कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है।
हम सब एक बराबर हैं, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो अथवा कोई मजदूर है, हम सब एक बराबर हैं। ये हमारे संघ की विशेषता है। सदियों पहले हम एक थे और आज भी हम एक बनने की राह पर हैं। एक प्रसंग हमने अक्सर सुना है कि बाबर और राणा सांगा का युद्ध हो रहा था। तो पहले जो युद्ध हुआ करते थे रात दिन के नहीं होते थे, उनका वो एक नियम के अंतर्गत आपस में युद्ध करते थे कि शाम होने के बाद, सूरज छिपने के बाद सब जो है अपने अपने खेमों में चले जाते थे, विश्राम करते थे और कोई किसी पर अटैक नहीं करता था। तो एक बार की बात है, जब बाबर अपने खेमे में था और राणा सांगा अपने खेमे में थे, तो अचानक वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि राणा सांगा के खेमे में, बाबर ने देखा कि राणा सांगा के खेमे में जगह जगह धुआं उठ रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसा हो गया कि यहाँ जगह जगह धुआं उठ रहा है। उन्होंने अपने गुप्तचरों को बुलाया और पूछा, भाई ऐसा कैसे हो गया कि वहां अलग अलग इतना सारा धुआं उठ रहा है, देखो कहीं कोई आगजनी या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कोई अनहोनी सी। तब उस गुप्तचर ने बताया, महाराज ये राणा सांगा की सेना है जिसमें अलग अलग जाति के लोग अलग अलग खाना बनाते हैं, कोई आपस में बैठ के एक दूसरे का छुआ खाना नहीं खाते हैं, एक दूसरे का छुआ पानी भी नहीं पीते हैं। बाबर हंसा और उसने कहा कि आप निश्चिंत रहो, हमारी जीत पक्की है, क्योंकि जो लोग आपस में इतना बटे हों भला वो किसी दूसरे पर विजय कैसे पा सकते हैं। तो ये एक मैसेज है कि वास्तव में हम अगर अलग अलग रहेंगे तो हम जीत कैसे पाएंगे, हमको एकजुट रहना है, मैं और तुम से ऊपर उठकर हम बनना है। हम जब जुड़ेंगे तभी जोड़ पाएंगे और तभी जीत पाएंगे, जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। आप सभी का आह्वान करते हैं अपने पूर्वाग्रहों को त्याग कर आप मिलजुल कर आपस में काम करें, आपस में मिलजुल कर रहें। देखिए हमारी शक्ति तभी बन पाएगी, हम एक शक्ति के रूप में तभी उभर पाएंगे। हम संघ निर्माण की योग प्रक्रिया में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आप लोगों के बगैर हमारा संघ अधूरा है, हमारा प्रयास अधूरा है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam.
संगम शरणं गच्छामि साधु साधु।